दोस्तों, कंगना राउत की अपकमिंग मूवी धागड़ का बज मार्केट में कुछ ज्यादा ही है एंड शायद इसीलिए मेकर्स ने इस मूवी का एक और ट्रेलर रिलीज किया है। वैसे तो ट्रेलर 1 एंड ट्रेलर 2 का कॉन्सेप्ट हॉलीवुड फिल्मों में ज्यादा देखने को मिलता है, सो आइए देखते हैं आखिर क्या कुछ नया दिखाया गया है धाकड़ के इस नए ट्रेलर में। एंड एक और बात मुझे इस ट्रेलर में अच्छी नहीं लगी जो मैं इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। रुद्रवीर 10 साल पहले गल्फ में ऑलमोस्ट हमारे हाथ आ गया था, तब से गायब है। सो इस ट्रेलर 2 की शुरुआत अर्जुन रामपाल से होती है जिधर उनके कैरेक्टर को एस्टैब्लिश किया गया है एंड वी कम टू नो दैट ही वाज अ कोल माफिया डिकेड अगो एंड नाउ ही हैज टू बी किल्ड एट एनी कॉस्ट। इस सांप का सर कुचलने का टाइम तो आ गया। सो इंडियन गवर्नमेंट एजेंट अग्नि को उसके पीछे भेजती है। अब इसके आगे कंगना का हाई ऑक्टेन एक्शन देखने को मिलता है जिसमें हमें ग्लिम्स से पता चलता है कि वो रुद्र प्रताप सिंह के पीछे पीछे बुडापेस्ट एंड अलग अलग कंट्रीज में जाती है। मेन हाईलाइट ऑफ दिस ट्रेलर 2 इज इट्स ग्रूसम एंड ब्रूटल एक्शन। कंगना का परफॉर्मेंस एंड अर्जुन रामपाल के लुक्स को देखने के लिए आई थिंक ह्यूज ऑडियंस विल गो टू द बिग स्क्रीन। शेर की मान में घुसोगे तो हाथ मोती आवेगी। अपार्ट फ्रॉम द एक्शन सीन्स, फिल्म का सिनेमेटोग्राफी एंड कलर करेक्शन इज रियली इनसेन। इट्स रियली गुड टू सी जब इंडिया में हमें माइंडलेस साउथ एक्शन ड्रामा देखने को मिल रहा है वहीं एक धाकड़ जैसी क्वालिटी कंटेंट को प्रोड्यूस किया जा रहा है। जिस्म से रूह अलग करना बिजनेस है मेरा। अपार्ट फ्रॉम दिस पॉजिटिव थिंग्स अबाउट द ट्रेलर 2 ऑफ धाकड़, स्टिल मुझे ऐसा लग रहा है कि इस मूवी में 70% फाइट एंड 20-30% स्टोरी रहने वाली है एंड अगर ऐसा रहा तो मूवी को ओपनिंग तो मिल जाएगी बट इट विल नॉट लास्ट लॉन्ग। बट अगेन आई विश ऐसा कुछ ना हो एंड ये फिल्म स्टोरी एंड एक्शन दोनों को बैलेंस करके जाए। You messed with the wrong girl, bro. I am wishing Kangana and Dhakar to be a successful film at the box office. So guys, that's it for today's video. Hope you like this review. Do like, share and subscribe my channel. See you soon.